टीम इंडिया के पूर्व कप्तान स्किपर महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद से क्रिकेट के मैदान को छोड़ दिया। इसके बावजूद वो बराबर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। वो इस ब्रेक के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आईपीएल 2020 में खेलने की तैयारियों में जुट गए हैं। और इस बीच न्यूजीलैंड टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर इयान स्मिथ ने कहा कि निसंदेह महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति हमेशा मिस की जाएगी। क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट के पहले दिन पर इयान स्मिथ ने कमेंट्री के दौरान कहा, क्रिकेट मैदान पर आप धोनी को कैसे छोड़ सकते हैं, वो महान लीडर है और ग्रेट फिनिशर है। उन्होंने 2019 का विश्व कप लगभग भारत को जिता ही दिया था। मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं और उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है, नई पीढ़ी को मौका जरूर ही मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 63 साल के इयान स्मिथ ने कहा कि धोनी की गैर मौजूदगी से बहुत सी दूसरी गतिविधियां भी मिस की जा रही हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी टीम को हमेशा फ्रेश रखते थे। अब जबकि बहुत से लोग उनके फ्यूचर पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं टीम इंडिया के प्रमुख को जो हेड कोच है रवि शास्त्री, उनकी वापसी को खारिज नहीं किया है। धोनी जल्द ही एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में अभ्यास करते दिखाई पड़ेंगे। आईपीएल का पहला मैच 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। इस मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी 2 मार्च को चेन्नई जाएंगे। वहां वो सीएसके के ट्रेनिंग कैंप से जुड़ेंगे। 2 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद माही 4 दिन के लिए अपने घर आएंगे और उसके बाद माही फिर मैच से 4-5 दिन पहले सीएसके टीम से ऑफिशियली तरीके से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।